रहीम, अब चैप्टर नंबर 16 वेंट्रिकुलर सिस्टम इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है पहले ये पढ़ेंगे और फिर कोरोइड प्लेक्सस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये हर एक में आता है, पहले भी और उसके बाद भी आता है, तो इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब वेंट्रिकुलर सिस्टम है क्या चीज, ये डिफरेंट से फिल्ड कैविटीज होती है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये जो दो वेंट्रिकल्स है ना, इनको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। ये एक एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होते हैं, दूसरा दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होते हैं। ये इस तरह ओपन हो जाते हैं किस में, इस वाली कैविटी में। इस वाली कैविटी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। ये हमारे जो डाइसेप्लान है ना, उसके से फिल्ड कैविटी। फिर इससे ये जो नीचे स्ट्रेट कैनाल आ रहा है, इसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ये सेसेफ कैविटी है किस चीज के लिए, मिड ब्रेन के लिए। फिर नीचे मिड ऑफ द फोन में जब ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट पहुंच जाते हैं, तो ये इस तरह दोनों साइड में क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। इसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ये सेसेफ फिल्ड कैविटी है फोन्स और मेडुला ओब्लॉन्गेटा की। फिर नीचे ये क्या जाता है, स्पाइनल के लाइन में कंटिन्यूस हो जाते हैं और आखिर में ये स्विल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेंट्रिकल। सही है। अब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, इससे दो लेटरली इस तरह ओपनिंग्स होते हैं, इनको बोलते हैं फोरामेन लश्का, और एक पोस्टीरियर की रीजन में ये होता है, ये अब पोस्टीरियर की तरफ से है। अगर लेटरली हम देखें तो ये इस तरह होता है, ये पोस्टीरियर की तरफ एक ओपनिंग होता है, इसको बोलते हैं फोरामेन मेजेंडी। सही है। तो इस अब ये जो है ना सीएसएफ फिल्ड कैविटी का सिस्टम किस तरह होता है कि कोरोइड प्लेक्सस एक स्ट्रक्चर है जो कि दो रूप ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में होते हैं, दो कहां पर होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, मतलब एक लेटरल वेंट्रिकल में एक कोरोइड प्लेक्सस होते हैं लेकिन दोनों में दो हो गई, और दो किस चीज में होते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल में। ये क्या करते हैं, ये सीएसएफ की प्रोडक्शन करते हैं। अब यहां पर ये जब सीएसएफ प्रोड्यूस करेंगे, इससे सीएसएफ कहां पर थ्रू द फोरामेन मेन हो जाती है, कहां पर थर्ड वेंट्रिकल में। फिर यहां की जो प्लेक्सस है ना, ये भी अपना सीएसएफ इसमें शामिल कर देते हैं, फिर वहां से जाते हैं कहां पर, थ्रू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट पहुंच जाती है टू द फोर्थ वेंट्रिकल। फिर यहां जी जो दो प्लेक्सस है, ये भी अपना सीएसएफ शामिल कर देते हैं, फिर थ्रू द फोरामेन मेजेंडरी ये आ जाता है कहां पर, ये है सब एरेक्नाइड स्पेस। ये पायामेटर है ग्रीन वाला, और ये जो आउटर ब्लू वाला है, ये है एरेक्नाइड मैटर। तो ये कौन सा स्पेस होगा, सब एरेक्नाइड स्पेस। तो अब इन दो फोरामेन के जरिए, जो फोरामेन लश्का है, इनके जरिए ये ड्रेन हो जाते हैं, इन दो स्विलिंग्स होते हैं सब एरेक्नाइड स्पेस में। इसको क्या बोलते हैं, इन इस वाले को बोलते हैं सेरेब्रोपोन्टाइन क्रिस्टी। सही है। और इस वाले को बोलते हैं सेरेब्रो मेड्यूलरी क्रिस्टी। तो थ्रू द फोरामेन मेजेंडी कहा गया सेरेब्रो मेड्यूलरी क्रिस्टी में, और थ्रू द फोरामेन लश्का कहा गया सेरेब्रोपोन्टाइन सिस्टम में। सी है। फिर ये यहाँ पर क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं इन द सब एरेक्नाइड स्पेस, जो कि सब एरेक्नाइड स्पेस कहाँ तक पहुंच जाते हैं, S2 तक पहुंच जाते हैं। S2 में की जो एरेक्नाइड मैटर था वो पहुंच जाते हैं और फाइलम टर्मिनल्स आ जाते हैं। इस तरह जब ये इस स्पेस में इस तरह सर्कुलेट होता है, ये जाता है कहाँ पर, इस तरह ऊपर चले जाते हैं। तो वहां पर ये जो एरेक्नाइड मैटर है, ये अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर कर देता है। तो इस एक ये इस तरह स्ट्रक्चर है, इस होल स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे, एरेक्नाइड ग्रेनुलस, और एक इस प्रोजेक्शन को क्या बोलते थे, एरेक्नाइड विलाई। तो इस स्ट्रक्चर के जरिए फिर ये ड्रेन हो जाते हैं कहां पर, वीनस साइनसिस में। ये जो है ना, ये कौन सा वीनस है, ये है सुपीरियर सेजिटल वीनस, जो कि दो जो ये इंड्यूस्टल लेयर ऑफ द ड्यूरामेटर है, ये इनर मेनिंजियल लेयर है, इन दोनों के दरमियान ये होता है। इसी है, इसको कवर किया किसने, एंडोथेलियल ने। फिर ये किस किस चीज की जॉइन होता है, ये आखिर में जाते हैं इंटरनल जुगुलर वेन में, और वो फिर जाते हैं कहां पर, हमारे हार्ट में। तो ये सर्कुलेशन में सीएसएफ क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। अब इसकी बात क्या करते हैं कि कोरोइड प्लेक्सस है क्या चीज। लेट से हम ये वाला एक ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इस पर एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें ये क्या है, तो लेटरल वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। सही है। अब इस स्ट्रक्चर में हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये क्या होता है, ये जो वेंट्रिकल होता है ना, इसको किस चीज ने कवर किया होगा, ये क्या है, ये पायामेटर है। सही है। ये ब्रेन सब्सटेंस है, और ये उसके अंदर ये वाला जो है ना, ये क्या है, ये हमारा वेंट्रिकल है, यह लेटरल वेंट्रिकल का एक पार्ट हो गया। पायामेटर, ब्रेन सब्सटेंसेस, वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल को इनर साइड से इन सिल की लेयर्स ने कवर किया होता है। ये कौन सा सिल्स होते हैं, ये एपेंडाइमल सिल्स होते हैं। सही है। अब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और बेसिलरी आर्टरी, उससे कुछ ब्रांचेस एराइज होते हैं जिसको बोलते हैं कोरोइडल ब्रांचेस या कोरोइडल आर्टरी। ये आर्टरी इस तरह ऊपर आ जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर इस वेंट्रिकल में क्या है, ये वाला है। सही है। ये इस तरह यहाँ पर आया हुआ है, तो और फिर यहाँ से ये क्या है, कोरोइडल वेन निकलता है। सही है। तो ये जो दो आर्टरी और वेन है, इस तरह इसकी रूप में होता है, और इसको कवर किया होता है, इस कौन सी, इस पायामेटर ने इन दोनों को कवर किया होता है, इसको बोलते हैं टेला कॉर्डिया। फिर ये क्या होता है, ये आर्टरी इनवॉल्व प्रोजेक्ट हो जाते हैं वेंट्रिकल में, और इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते थे। ये क्या है, ये कैपिलरीज है यहाँ पर। इन कैपिलरीज के साथ भी यही पायामेटर भी जाते हैं, लेकिन अंदर से जो वेंट्रिकल को एपेंडाइमल सिल की लेयर ने कवर किया होता है ना, वो भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब इसको हम कहेंगे कोरोइड प्लेक्सस।
अब ये कोराइड प्लेक्सस क्या करती है, थ्रू द सोडियम पंप एंड क्लोरीन क्लोराइड को, इन दोनों को अपने अंदर ले जाते हैं। जब इसके अंदर ले जाए फिर इसके अंदर क्या हो जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर राइज हो जाते हैं, फिर क्या जाएगा इसके अंदर, वाटर जाएगा। जब वाटर इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्रोडक्शन आप किस चीज की हो जाएगा, सीएसएफ फ्लूइड की। फिर ये जो निकलता है ये क्या है, ये कोराइडल वेन है। ये कोराइडल वेन आगे जाकर ड्रेन हो जाते हैं इंटरनल सेरेब्रल वेन में। डिफरेंट इंटरनल सेरेब्रल वेन कंबाइन होकर बनाती है ग्रेट सेरेब्रल वेन। फिर ग्रेट सेरेब्रल वेन जाती है इन्फीरियर सेजिटल साइनस में, फिर वो उससे स्ट्रेट साइनस में, और फिर इंटरनल जुगुलर वेन में, और फिर हार्ट में। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, सही है। तो ये क्या था, ये था कोराइड प्लेक्सिस का असल में कंसेप्ट ये है। इस कोराइड प्लेक्सिस का फंक्शन ये होता है कि ये सीएसएफ को प्रोड्यूस करे, सही है। और सीएसएफ का प्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे ब्रेन को बीएनसी देते हैं और उनके प्रोडक्शन में मेन हेल्प दे देते हैं, और इसके अलावा ये न्यूट्रिशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो दिस वॉज ऑल द थिंग, जनरल ओवरव्यू था इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम का और कोराइड प्लेक्सिस का। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़।